हेलो गाइज वेलकम टू पी डी नोगिया ज्योग्रफिकल चैनल गाइज नाउ विल वी डिस्कस एम ए एम थर्ड सेमेस्टर मेन एंड बेक एग्जामिनेशन सब्जेक्ट मार्केटिंग ज्योग्रफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक तो गाइज नाउ विल डिस्कस इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन प्रथम क्वेश्चन इज विपणन भूगोल क्या है विपणन भूगोल क्या है वाट इज मार्केटिंग ज्योग्राफी नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन इज विपण विपणन भूगोल का महत्व बताइए नेक्स्ट है, है विपणन भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञानों से से संबंध को बताइए इसी प्रकार गाइज नेक्स्ट है विपणन भूगोल के उपागम बताइए विपणन भूगोल के उपागम बताइए गाइज नेक्स्ट है फाइव क्वेश्चन है नियोजन क्या है व्हाट इज प्लानिंग गाइज सिक्स नंबर क्वेश्चन है नगर की उत्पत्ति किस इकाई से हुई है इसी प्रकार गाइज सेवन नंबर जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है वह है कर्सी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है गाइज नेक्स्ट है बाजार क्या है इसी प्रकार नेक्स्ट इस नाइन नंबर का जो प्रश्न है सी बी डी क्या है स्पष्ट कीजिए गाइज दसवें नंबर का जो क्वेश्चन है पूर्वा क्या है स्पष्ट कीजिए इसी प्रकार नेक्स्ट है किस्टाला कौन था बताइए इसी प्रकार गाइज डब्लू टी ओ क्या है स्पष्ट इस कीजिए इसी प्रकार गाइज तेरहवें नंबर क्वेश्चन है व्यापार किसे कहते हैं बताइए इसी प्रकार गाइज नेक्स्ट है केंद्र स्थल सिद्धांत किसने दिया बताइए इसी प्रकार गाइज ये तो थे आपके सामने सेक्शन ए में अति लघुतरात्मक प्रश्न वेरी शोट टाइप आंसर क्वेश्चन थे इसी प्रकार गाइज सेक्शन बी है इसमें लघुतरात्मक प्रश्न इस प्रकार है जो लगभग एग्जाम में आ सकते हैं नंबर एक है केंद्र स्थल थ्योरी से संबंधित विद्वानों के नाम बताइए। इस प्रकार गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है बाजार मूल्य क्या है स्पष्ट कीजिए गाइज नेक्स्ट है गाइज नेक्स्ट है यातायात मूल्य क्या है स्पष्ट इस कीजिए इसी प्रकार फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कृषि भारतीय कृषि की परिभाषा दीजिए इसी प्रकार गाइज नगरीयकरण क्या है स्पष्ट इस कीजिए इसी प्रकार सिक्स नंबर है परिवहन मूल्य क्या है स्पष्ट कीजिए सेवन नंबर व्यापार के विकास के कारक बताइए इस प्रकार गाइज आठवें नंबर का क्वेश्चन है भारतीय कृषि को परिभाषित कीजिए गाइज नेक्स्ट है कृषि विपणन के प्रकार बताइए गाइज आगे है डब्लू टी ओ की परिभाषा दी कीजिए अच्छा डब्लू टी ओ को परिभाषित कीजिए इलेवन नंबर है विपणन भूगोल की परिभाषा दीजिए बारहवें नंबर का है विपणन भूगोल का कार्य क्षेत्र बताइए इसी प्रकार गाइज नेक्स्ट है विपणन भूगोल का विकास के उपागम बताइए गाइज नेक्स्ट है नियोजन को समझाइए गाइज नेक्स्ट है व्यापार की परिभाषा दीजिए इसी प्रकार गाइज बाज़ार की परिभाषा दीजिए नेक्स्ट है नगरीय उपांत को परिभाषित कीजिए गाइज केंद्र स्थल सिद्धांत को संक्षिप्त समझाई गाइज उन्नीसवा नंबर क्वेश्चन जो कि लगभग इंपॉर्टेंट है परिवहन यातायात मूल्य को परिभाषित कीजिए गाइज अधिकांशतः एग्जाम में जो क्वेश्चन पहुँचे जाते हैं कंपिटेटिव के साथ साथ थोरिटिकल यूनिवर्सिटियों में एग्जाम में सबसे संबंधित ये क्वेश्चन है सी को परिभाषित कीजिए कई बार सी की फुल फॉर्म पहुँचता है तो गाइज है सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है इसको परिभाषित करना डिफाइन करना है गाइज नेक्स्ट है किस टॉलर ने कौन सा सिद्धांत दिया नाम बताइए ये भी इम्पोर्टेंट है जो अधिकांश से और जे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस ने कौन सा सिद्धांत दिया था तो गाइस किस ने केंद्र स्थल सिद्धांत दिया था सटकोणी सिद्धांत जिसे कहा जाता है इसी प्रकार गाइस नेक्स्ट है व्यापार के के प्रकारों को समझाइए तो गाइस ये थे आपके सामने सेक्शन ए बी से संबंधित लघुतरात्मक प्रश्न अब इस प्रकार सेक्शन सी है सेक्शन सी में निम्नलिखित निबंधात्मक क्वेश्चन और ए में भी वो सारे अब इनसे संबंधित जो निबंधात्मक प्रश्न है वो आई गाइस चलते हैं अपन कौन कौन से निबंधात्मक प्रश्न है जो अधिकांश एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं गाइस निबंधात्मक प्रश्न इस प्रकार है नंबर एक है विपणन भूगोल की परिभाषा दीजिए विपणन भूगोल के कार्य क्षेत्र महत्व को समझाइए, गाइज नेक्स्ट है भारतीय कृषि विपणन को समझाइए, भारतीय कृषि विपणन ने भारतीय कृषि को कैसे प्रभावित किया है स्पष्ट कीजिए गाइज नेक्स्ट है बाजार किसे कहते हैं बाजार को परिभाषित कीजिए बाजार के प्रकार बताते हुए बाजार संरचना को समझाइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है मार्केटिंग जो ग्रुप से संबंधित वह है वर्तमान में भारतीय कृषि के सुधार को लेकर क्या क्या कदम उठाए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में आप क्या समझते हैं पक्ष विपक्ष में तर्क दीजिए गाय नेक्स्ट है फाइव नंबर का क्वेश्चन नियोजन को परिभाषित कीजिए बाज़ार कृषि और नगर में नियोजन के महत्व को बताइए गाय नेक्स्ट है सिक्स नंबर है जो डेस्क्रिप्ट टाइप का क्वेश्चन है व्यापार को परिभाषित कीजिए व्यापार के की प्रकारों की व्याख्या कीजिए इसी प्रकार गाइस नेक्स्ट इसी में तो व्याख्या करते हुए बाजार व्यवस्था में विपणन की भूमिका को स्पष्ट कीजिए गाइस सेवन नंबर है कृषि विपणन पर्यावरण में अंतर समझ बताइए गाइस नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो निबंधात्मक है मार्केटिंग जो संबंधित है तो वह विपणन भूगोल के उपयोग की व्याख्या कीजिए गायज नवा नंबर जो अधिकांश है ये क्वेश्चन पूछा जाता है इम्पोर्टेंट जो नेट जे से संबंधित भी है केंद्र स्थल सिद्धांत को परिभाषित कीजिए क्रिस्टालन के सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए इसी प्रकार मित्रों ये टेन नंबर का क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है लास्ट के बाजार अवस्थित सिद्धांत को समझाइए इसी प्रकार बीजे बीजे बेरी के मॉडल को समझाए रिले के बाजार मॉडल को समझाए भारतीय कृषि विपणन की परिभाषा दीजिए भारतीय कृषि विपणन के प्रकार बताते हुए व्याख्या कीजिए इस पर गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है औप उप, औपचारिक एवं अनौपचारिक व्यापारों की तुलनात्मक व्याख्या करते हुए प्रस्तुत कीजिए इसकी व्याख्या प्रस्तुत करनी है गाइज नेक्स्ट है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कृषि विपणन कृषि विपणन से भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा कारणों की व्याख्या कीजिए तो गाइज ये था अपने सामने मार्केटिंग ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह जो कि एम ए एम एस सी जोग्राफी थर्ड सेमेस्टर स्कीम मेन एग्जाम या बेक एग्जाम से में संचालित चैप्टर मार्केटिंग ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट या मॉडल पेपर अपने अध्ययन किया जिसमें अति लघु लघुतरात्मक और इसी प्रकार निबंधात्मक जो अपने अध्ययन किया तो गाय आपको कैसे लगा कमेंट्स ज़रूर करना और धन्यवाद